भाई दूध चढ़ा के आया हूँ दौड़ के, बच गया सही टाइम पे आया भाई, सही टाइम पे। फटा नहीं? नहीं फटा भाई, थोड़ा सा खोल जाओ। अदरक अदरक। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। संडे है और चाय बनाएंगे अदरक डाल के। फटना नहीं भाई, रात का दूध है, फटना नहीं, फटना नहीं, नहीं। अदरक डाला भाई साहब, इतना अदरक डाला कि पाइल्स ना हो जाए कहीं। चीनी डाला ही नहीं। बात फास्ट बनाई से चीनी में चीटी भी लगा, एक तो काफी है हमारे पास में, तो मैकडॉनल्ड्स की चीनी है, स्टारबक्स की चीनी है हमारे पास में, टेंशन रखो। वी आर यू नो दरवाजे चाय पीने। और जनाब बहुत बीच में जाकर ऐसे बैठे जैसे टट्टी कर रहे हैं, फोटो तो ऐसा डाला आपने, मेरा मन हुआ कि मैं डालूं उसमें, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला आपको। फोटो देखे साल में कैसा कर रहा था, ये फोटो खिंचाए से, लेकिन पॉइंट रखा हुआ है इधर, इधर पॉइंट रखा हुआ है भाई। हम ब्लॉग से ही खुश हैं, ब्लॉग से ही जो आनंद आ रहा है ना लाइफ में, फिल्म में फिल्म करने और बनाने और काम करने की इच्छा नहीं हो रही है उसके अंदर। अच्छा जी, हाँ ठीक है, लाइफ ऐसे ही ठीक है, अपनी अपने शौक को पूरा कर रहे हैं ना। संडे है, हमारे राइटर सब आए हैं, और अभी आज का कार्यक्रम मैं बता देना चाहता हूँ कि कार्यक्रम है हमारा अभी ऑफिस, ऑफिस से स्टारबक्स, एक कॉफ़ी बची है तो अकेले ही आनंद उठा रहे हैं कॉफ़ी का, प्री बुकिंग का, और फिर शाम को माइट बी यू नो काइंड ऑफ लिटिल हेल्थ कॉन्शियस होंगे, मतलब जॉगिंग करने की कोशिश, लेकिन ब्लॉक पेंडिंग बहुत है तो ब्लॉक पहले कम्प्लीट करेंगे, तो अभी ऑफिस चलते हैं, छोटा मोटा काम कर लेते हैं वहाँ पे कुछ, वहाँ जाने से पहले एक बार नोट डाउन करते हैं करना क्या है, कि वहाँ जाकर ऑफिस खोल के फिर क्या है, तो एक बार वर्कआउट कर लेते हैं और फिर जहाँ रहेगा पता चलेगा या आपको कहाँ जा रहे हैं। संडे है भाई, तैयार होके तो बहुत देर से बैठे हैं, दोपहर के 2 बजने वाले हैं, 1:38 है, और फिर हमने डायरी बनाया कि ऑफिस में आज या पूरे वीक में क्या काम करना है, तो आज कुछ खास नहीं है, जो कुछ 2-4 काम है जो आधे घंटे का है, विच कैन बी डन टुमारो मॉर्निंग ऑल्सो, तो ऑफिस जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है, नया प्रोग्राम बना है, खाने का ऑर्डर करेंगे यहाँ से और ज़ोमैटो पे, उसको खाने के बाद आराम विश्राम करेंगे, और फिर 5-6 बजे स्टाफ जब पहुँचेंगे, जब तक 10 बजे भगाएंगे नहीं तब तक वहाँ बैठे रहेंगे, तो ये शेड्यूल अभी फिक्स किया है, नॉट टू बी कन्फ्यूज। ज़ोमैटो इसलिए ऑर्डर कर रहे हैं क्योंकि ज़ोमैटो में जो है ऑफ़र है, पेटीएम से मैंने कुछ शॉपिंग किया था, मतलब पेटीएम है, पेटीएम तो यूज़ करते हैं हर कोई, तो पेटीएम यूज़ करते रहते, 100 रुपये ऑफ है, 50 रुपये कैशबैक भी है, 199 रुपये के ऊपर का अगर हमने ऑर्डर किया तो, मतलब 200 का अगर बिल आता है तो 100 रुपये देना पड़ेगा मुझे, प्लस 50 रुपये कैशबैक, मतलब 200 का आइटम जो मुझे मिलेगा 50 रुपये में, ऐसा कुछ है कैलकुलेशन, तो अभी इसको करते हैं और करके कितने सक्सेस होते हैं ये आपको बताते हैं भाई। 20 मिनट हो गए, मैं डिसाइड नहीं कर पाए खाए क्या, कितने बजे तक खाना आ जाता है यार, क्या खाए, इतना ना मेन्यू देख लिया है ना इसमें, सोचिए कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, साला खाऊँ तो क्या खाऊँ, बिरयानी खाऊँ कि क्या खाऊँ, मैगडी का खाऊँ, पनीर खाऊँ, वेज कोला पूरी खाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को क्या खाया जाए, मेरे को लगता है डोमिनोज पिज़्ज़ा देते हैं जल्दी और फटाफट आएगा, पिज़्ज़ा खा सकते हैं या तो बिरयानी खा सकते हैं। गरम गरम पिज़्ज़ा आया,
अभी सुबह से कुछ नहीं खाया, नाश्ता कर लिया है और साथ में फिल्म देखा जाए, उसके बाद नाश्ता करके फिल्म देख के क्योंकि सोने की इच्छा भी होगी लेकिन सोएंगे नहीं क्योंकि सोना मतलब संडे एवरी डे इज़ ऑफ संडे। खाना में तवज्जो, मार्गरिटा कुछ क्या बोलते हैं उसको, नहीं टैको एंड पिज़्ज़ा, लेकिन ज़्यादा खाना मैं इतना तो खा नहीं पाऊँगा सर, आज अकेला पड़ गया खाने में, पर ये मार्गरिटा पिज़्ज़ा टैको ले लिया था मैं। भाई सब आदमी बड़ा खाने का बिजी हो जाता है, पिज़्ज़ा क्या खाया कि फिल्म देख डाली एक, और वसीम भाई का फ़ोन आ गया इसी बीच में, बोले कि टाटा हॉस्पिटल चलते हैं, हॉस्पिटल में कोई एडमिट है तो उनको यू नो चल के देख लेते हैं, हालांकि संडे अलाउड नहीं है बट डेंटू बोले चलिए घूम के आते हैं। मैं बोले चलो भाई घूम के आते हैं, फिर चार बज रहे हैं अभी, चार सवा चार बज रहे हैं, एक घंटा आधा एक घंटा जाना, सवा चार सवा पाँच सवा छः सात साढ़े सात बजे तक बैठेंगे आ जाएंगे वापस, तो कल के टाइम के हिसाब से भाई आठ से नौ, नौ से दस, दो घंटे में छः सात वीडियो जो है चार बक का जो शेड्यूल बनाया था मैंने वो करेंगे, अल्टीमेटली लेट हो गया है। चलिए वसीम भाई को स्कूटी पिक करेंगे फिर उनके गाड़ी के पास चलते हैं, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे टाटा हॉस्पिटल। भाई साहब को ड्रॉप कर दिया, अभी स्कूटी लगा दे और गाड़ी में बैठ जाए। तो एक बहुत अच्छी खबर बताना चाहेंगे, सब अच्छी खबर ये है कि वसीम भाई ने कल ही लिया ना सैटरडे को इन्होंने ले लिया है वैक्सीन, और अभी एक दिन 24 घंटे हुआ है, फीवर नहीं है, सर्दी खांसी कुछ नहीं है ना, बिंदास मैं तो और ज्यादा घूम रहा हूँ, मुझे एनर्जी आ रही है इनके अंदर, बोल रहे थे कि एक्सरसाइज करने में गए थे कि नहीं फीलिंग आ रही है, कर ली थी सुबह में मैंने तो आज, अच्छा उस दिन कल ओके, कुछ भी नहीं हुआ है, तो अब पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है किसी को, सुना तो इतना था कि फीवर होता है और देखा भी है, ऐसा नहीं है हमारे हैं, एक है क्या एक है जो चार दिन पांच दिन बेड पे पड़ गए तो मेरे पिताजी को भी लग गया, इनको भी लग गया, मतलब सबको लग गया, अब मेरा ही नंबर बचा है, मैं फ्री के चक्कर, आप तो फ्री में लगवाए ना वसीम भाई, मेरा तो कल नाना बेटी का था बट फ्री में हो गया काम, नाना बेटी में था लेकिन हमारे यही रोड पे हो रहा था वैक्सीनेशन ड्राइव था एक ट्रस्ट की तरफ से, तो वहाँ लगवा लिए, अब अपन बच गए, चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। हाँ मैं फ़ोन कर रहा था, चूहे ने कांड कर दिया है, तेल लीकेज हो रहा है फिर से, तो क्योंकि चेक किया हमने गाड़ी बंद किया तो फिर पीछे लीकेज दिखा, दूसरे आदमी ने बोला सर पीछे गिर रहा है, तभी हम लोग गैरेज जा रहे हैं जो कि 3 किलोमीटर, अभी 1000 रुपये 700 का तेल भरवाया है वसीम भाई ने, तो फटाफट पहुँच जाए, ए सी ऑफ कर दिया हमने कि ज़रा स्मेल बहुत आ रही थी पेट्रोल की, कहाँ गिर रहा है साला, देखिए किधर बूंदाबांदी है पेट्रोल की, यहाँ साला है ना, देखिए वो देखिए क्या करूँ, गाड़ी चालू करेगी, लूज हो गया है लगता, ये इधर से लूज हो गया, वाइट वाला निकल गया पट्टी, टाइट नहीं है ये, चालू करो, बस लीकेज है, हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ बंद कर, कट गया है साला, बेल्ट जो है ना गलत कसाया हुआ है, हो गया ठीक, लूज ही हो गया है वो ना, अब ठीक हो गया ना, कैसे लूज हो गया वो साला, भाई आज तो ट्रैफिक में स्कूटी फंसी हुई है, कूड़ा कचरा इधर पेटी, मतलब सारा मुंबई च बना हुआ है, निकाल दो भाई, ऑटो वाले को लगा एक हाथ हाथ, तो मैं क्रिकेट चल रहा हूँ और अपनी गाड़ी जो है बताना चाहेंगे कि वापस चार लोग जा रहे हैं, अब हम लोग नहीं जा रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि गाड़ी बंद में हो गए लेट, और नॉर्मली जो विजिटिंग होता है 7 बजे तक होता है, हालांकि संडे बंद रहता बट वी वेयर ट्राइंग कि 7 बजे से पहले पहुंच जाएंगे तो कोई जुगाड़ लगा लेंगे, जुगाड़ जो शब्द है उसका फ़ायदा उठाते आज बट नहीं उठा पाए क्योंकि गाड़ी हो गई डैमेज, तो अभी विस्तार बग जा रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली अगर रात में 9-10 बजे जाने का बना तो जाएंगे, अदरवाइज अभी वीडियो एडिट करेंगे जो प्लानिंग किया था अल्टीमेटली। भाई हमारा डेस्टिनेशन आ गया 3 घंटे के लिए, ऑलमोस्ट 6 बजे, 4:30-4 घंटे के लिए, चालक सामने हैं, मिलते हैं एक एडिटिंग के बाद।